वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री। तारीख है आज 14 दिसंबर और हम कवर करेंगे 14 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली भारतीय हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजूमदार। ये तीनों फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको फोर्ब्स की लिस्ट में 34वें नंबर पर रखा गया है, जबकि रोशनी नादर, जो कि HCL की CEO और MD हैं, तो उनको कितने नंबर पर रखा गया है, तो 54 नंबर पर उनको रखा गया है। जबकि किरण मजूमदार, जो कि बायोकॉन की MD हैं, इनको 65 नंबर पर रखा गया है। तो ये भारत की तीन महिलाएं हैं जो फोर्ब्स के अनुसार विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल होती हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, रोशनी नादर, जो कि HCL की CEO और MD है, और बायोकॉन की MD किरण मजूमदार। तो ये रही हैं ये तीनों, तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार, इन तीनों को ये रैंक मिली है। रैंक भी आपको दिखा दी गई है इमेज में। अच्छा, फोर्ब्स क्या है? तो फोर्ब्स एक पत्रिका है या कि मैगजीन है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में अपनी लिस्ट जारी करती है, और उसी ने अभी ये 100 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। अच्छा, इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर पर रही हैं एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की हैं। कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं एंजेला मार्केल, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम मैगजीन के अनुसार किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, टाइम मैगजीन एक लिस्ट जारी की जिसमें किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, ग्रेटा थुनबर्ग ये रही हैं, ये एक स्वीडिश स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही फेमस हो गई हैं इस समय। अच्छा, किस लिए फेमस हुई हैं? तो देखिए, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर अपने भाषण देकर सबको अपनी ओर आकर्षित किया है, साथ ही साथ दुनिया के लोगों को प्रेरित भी किया इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए, और इनको जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी अवार्ड रिसेंटली दिए जा चुके हैं। और ये कहाँ की हैं? स्वीडिश की रहने वाली, यानी कि स्वीडन की रहने वाली हैं। और साथ ही साथ इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टाइम मैगजीन में सबसे कम उम्र में नामित होने वाली कोई भी व्यक्ति तो कौन हो जाएंगे? ये ग्रेटा थुनबर्ग, जो सबसे कम उम्र में टाइम मैगजीन में आ गई है, ठीक है? तो ये टाइम्स मैगजीन हुआ, फोर्ब्स मैगजीन हुआ, ये सब बहुत ही बड़ी मैगजीन है, इंटरनेशनल लेवल पर ये मैगजीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय स्टार्टअप ने स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्लू स्काई, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गुरुग्राम का एक स्टार्टअप है ब्लू स्काई एनालिटिक्स, जिसने अपने एक ऐप के लिए क्या क्या है, ये स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अच्छा, कौन से ऐप के लिए? तो ऐप का नाम था जूरी ऐप। क्या नाम था? जूरी ऐप। अच्छा, इस ऐप का काम क्या था? तो ये देखिए, निगरानी रखने का काम करता था। तो निगरानी कहाँ पर रखता था? तो देखिए, जो भारत में खेतों पर आग लगती है और जो क्या कहते हैं वो फसल काटते टाइम जलाई जाती है, पराली, पराली की जाती है, तो जहाँ पर भी की जाती है तो उसके लिए ये क्या करता है, ऐप नज़र रखता है और इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। और इसी के प्रयास के मद्देनज़र रखते हुए ब्लू स्काई को किससे स्पेस ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अच्छा, स्पेस ऑस्कर पुरस्कार, इसका सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है कॉपरनिकस मास्टर पुरस्कार। क्या नाम है? कॉपरनिकस मास्टर पुरस्कार, ये इसका सही नाम है, क्योंकि इसको स्पेस ऑस्कर पुरस्कार बोला जाता है कि मैं, यानी कि एक तरीके का ऑस्कर अवार्ड है स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है? अच्छा, देता कौन है? तो देखिए, ये यूरोपीय आयोग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना किस राज्य में करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड, तो दो रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ है? तो देखिए, दो रॉकेट लॉन्च पैड इसके आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है।
और तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड ये तमिलनाडु के तुथुकुड़ी जिले के पर्वतीय गांव में करेगा। और पर्वतीय गांव का नाम क्या है, तो कुलशेखरा पट्टिनम। क्या नाम है, कुलशेखरा पट्टिनम, ये इसका नाम है जिस गांव में ये करेगा। ठीक है, अच्छा बात आई इसरो की और तमिलनाडु की, तमिलनाडु के पहले हम बात करेंगे। तो तमिलनाडु देखिए, ये आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है, के पलनी स्वामी। राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित जी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा अब बात करें यदि इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय इसका बैंगलोर यानी कर्नाटक में है। और अध्यक्ष कौन है, के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रानी रामपाल और सौरभ चौधरी दोनों को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया है। तो देखिए, रानी रामपाल जो हैं वो महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान पक्का करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि सौरभ चौधरी से ये जो आस लगाई जा रही है कि टोक्यो ओलंपिक में ये भारत को स्वर्ण पदक दिलाएंगे, लेकिन किस में, तो शूटिंग में। इसी कारण इन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। अच्छा यदि बात की जाए फिक्की की, तो इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1927 यानी कि 1927 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और यदि इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वे न्यू दिल्ली में है। और यदि प्रेजिडेंट की बात की जाए, तो संदीप सोमे के समय प्रेजिडेंट हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो दिलीप चिनॉय इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे हैं सौरभ चौधरी, और कौन रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रानी रामपाल, सॉरी महिला हॉकी टीम की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पासपोर्ट में किस फूल का प्रतीक लगाया जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कमल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारतीय पासपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए और उसका जो नकली पासपोर्ट बन रहा है उनको कम करने के लिए उसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा का प्रतीक लगाया जाएगा। यानी कि जहाँ पर जो अंदर का जो सतह होती है या जहाँ पर मुहर लगती है या साइन होते हैं अधिकारी के, तो वहाँ पर एक आयताकार डब्बे में कमल के फूल का निशान बना रहेगा, और उस कमल के फूल के निशान से भारत की पहचान की जाएगी, भारत का पासपोर्ट है। ठीक है, तो ये एक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा बात आई विदेश मंत्रालय की, तो विदेश मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री कौन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, तो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत तथा अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉशिंगटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि 2+2 वार्ता होती क्या है। तो देखिए, इस 2+2 वार्ता में क्या होता है कि भारत की ओर से 2 अधिकारी और अमेरिका की ओर से 2 अधिकारी क्या करेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। तो भारत की ओर से कौन कौन है, तो एक तो विदेश मंत्री हैं और एक रक्षा मंत्री। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं, और रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और ये कब होनी है, तो ये 18 दिसंबर को होनी है। कब होनी है, 18 दिसंबर को। अच्छा, रिसेंटली एक और 2+2 वार्ता हुई है, तो वो किस देश के साथ हुई है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ज़रूरी देना है। कल का मैंने देखा किसी ने आंसर, बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर देना है कि हाल ही में भारत तथा किस देश के बीच तीसरी 2+2 वार्ता आयोजित की गई है, वो भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इतना मैंने आपको हिंट दे दी है, अब आंसर आपको बताना है। चलते हैं USA यानी कि अमेरिका की तरफ, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स जी, मुद्रा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर वहाँ की मुद्रा है, यानी कि US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश आंध्र यूनिवर्सिटी यानी कि आंध्र विश्वविद्यालय में एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की क्या की स्थापना की है, जिससे कि वहाँ पर जो छात्र स्टडी कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह की हिंसा या फिर रैगिंग का हाल के हाल ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को मैप में देखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती या हैदराबाद, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिश्चंद्र जी और मुख्य न्यायाधीश कौन है, JK माहेश्वरी। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। किस राज्य में 45 नई फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर था बी, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर था, जिसमें से 24 महिलाओं के लिए और 21 किसके लिए, बच्चों के लिए बनाई जाएंगी। और फास्ट ट्रैक अदालतों का मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक अदालतों का तो मतलब होता है कि यहाँ पर जो केस है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाएगी इसकी। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, इससे आपको क्या बताना है, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर अभी तक बनाए गए हैं या फिर जितने भी अभी आपको याद हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो वो सारे आपको एक लिस्ट वाई लिस्ट, लाइन बाई लाइन आपको लिखना है कि पेप्सी, तो पेप्सी के आगे जैसे जो भी आपका ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है, उसके बाद यदि जो भी आपको याद है तो उस कंपनी का नाम, साथ बगल में उसका ब्रांड एम्बेसडर का नाम, तो ऐसा आपको लिख के देना है एक लिस्ट। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी हो रही है, यानी कि आपका रिवीजन हो रहा है, जो पुराने क्वेश्चन हैं जो आपके ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब आपको एक बार रिवाइज करने हैं। और मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो सकती है। आई होप आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।